सिविल अस्पताल सुंदरनगर में डेंगू रोग से ग्रसित एक 58 साल की महिला की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। इस संदर्भ में परिजनों ने अस्पताल में स्टाफ और प्रबंधन के खिलाफ खूब हो हल्ला किया और हंगामा किया और मौके पर SDM सुंदरनगर राहुल चौहान भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस थाना सुंदरनगर में अस्पताल प्रबंधन के ढूल भूल रवैये और लापरवाही से महिला की मौत होने पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने परिजनों की ओर से शिकायत के आधार पर मामला सिविल अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता मृतक महिला की बेटी निर्जा सेन रिश्तेदार सुशीला सेन ने बताया कि पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से महिला अस्पताल में उपचाराधीन थी और सोमवार को ही उसे डेंगू रोग से ग्रसित होने की शिनाख्त हुई, जिस पर अस्पताल में उसे भर्ती कर लिया गया। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी न तो महिला का सही ढंग से उपचार किया गया और न ही कोई BP दवा टेस्ट समेत अन्य कोई सुविधाएं अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुहैया करवाई गई। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते उनकी डेंगू रोग से ग्रसित मृतक महिला की देखरेख की गई होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मृतक महिला की बेटी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से उसकी मां अस्पताल में पड़ी थी, लेकिन अस्पताल का स्टाफ कोई भी देखने के लिए नहीं आता था। उन्होंने कहा कि उसे नियमित तौर पर उल्टियां लगी हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से किसी ने भी कोई पूछताछ नहीं की। स्टूडेंट हूँ, वो लोग मेरे भरोसे मेरी मम्मा को छोड़ के जा रहे थे। आज सुबह डॉक्टर ने चेक किया, BP उनका 70-40 BP आया था और कोई भी और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हाफ आर्मी पेशेंट का BP चेक होना चाहिए। बावजूद इसके कोई सिस्टर उनके पास नहीं आई BP चेक करने के लिए। वो मेरे पापा 3-4 बार उनके पास बोल के आए कि BP चेक करो मेरी वाइफ का, और कोई उनका BP चेक करने नहीं आया। और एट लास्ट उनका 2 बजे वो शॉक में चले गए, जिस वजह से उनकी डेथ होगी। और मालूम है फीवर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं बोल के गया था इनको कि चेक करना है, फिर भी ये लोग चेक नहीं किया। उन्होंने इसकी प्रॉपर मीटरिंग होनी है ना जी, तो आगे पीछे अप डाउन होना सब जाना पड़ना। खुद आ रहे हैं डॉक्टर फीवर्स 2 बजे के बाद खुद आ रहे हैं चेक करने के लिए कि मैं उनको पता है कि उनका पेशेंट कितना सीख गया। तो ये चीजें तो नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल वालों को भी तो होनी चाहिए कि पेशेंट सीख गया तो उसका चेकअप होना चाहिए रूटीन में। वहीं पुलिस थाना सुंदरनगर के प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद का कहना है कि मृतक महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है और परिजनों की शिकायत के आधार पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ फोन आया कि हॉस्पिटल में हंगामा हो रहा है, पेशेंट किसकी डेथ हो गई है। तो हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर से बात की, उसके बाद उनके रिलेटिव आ गए थाने में, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की नेगलिजेंसी स्टाफ की नेगलिजेंसी जो हमारी पेशेंट की डेथ हो गई है। हम FIR चाहते हैं, तो उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों की हम FIR चाहिए। उनके हॉस्पिटल की नेगलिजेंसी हमारी पेशेंट की डेथ हुई है, क्योंकि 5 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और सुबह से उनका 2 दिन से उनका BP वगैरह चेक नहीं किया गया, उसी वजह से उनकी डेथ हुई है। इस पर हमने FIR दर्ज कर दी है और आगे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन छाना है वो छानबीन की जाती है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।